हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। आप में से काफी लोग का क्वेश्चन था कि डिस्कस बेबीज को ब्रेनस्ट्रीम कैसे फीड किया जाए, तो अभी मैं उनको फीड ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा लग गया तो वो भी कवर किया जाए। सो ये ब्रेनस्ट्रीम मैंने कल हैच होने के लिए रखा था, ऑलमोस्ट अभी 24 आवर्स हो गए हैं, तो इसको कैसे कैसे ये जो हैच ब्रेनस्ट्रीम निकालते हैं, कैसे फीड करते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी ये ऑलमोस्ट हैच हुआ है, 24 आवर्स हो गए, तो इसका जो एग नॉब है इसको हम लोग फिलहाल बंद कर देंगे कम्प्लीटली। और ये ट्यूबिंग का पाइप निकाल देंगे। साबित मैं एक ही हाथ से कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली जो अभी हैच ब्रेनस्ट्रीम है, ये नेक्स्ट वाला मैंने आज लगाया, इसको इसका कल हैचिंग मिलेगा। सो अभी जो हैच ब्रेनस्ट्रीम है वो थोड़े टाइम के बाद नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो अनहैच एग्स है वो टॉप पे फ्लोट होते रहेंगे। सो देखते हैं 5-10 मिनट के बाद कैसे मिलता है नीचे, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हैच ब्रेनस्ट्रीम्स है वो नीचे सेटल हो गए बॉटम पे, और जो अनहैच्ड है वो फिलहाल ऊपर रहेंगे, फ्लोट होंगे एग्स के जो शेल्स होते हैं वो। जब तक ये ब्रेनस्ट्रीम सेटल होते हैं तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मैं जो लॉट को खिलाने वाला हूँ। सो उसमें से ये एक लॉट है, इसमें एक्चुअली साइज वेरिएशन आपको काफी दिखेंगे क्योंकि मैंने इसमें दो लॉट मिक्स किए हैं। सो शायद एक्चुअली इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अलग साइज के डिस्कस बेबीज एक साथ रखें, क्योंकि इसमें जो बड़े हैं वो एग्रेसिवली खाएंगे और छोटे डिस्कस को खाने नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर आप उनको साइज बाय सॉर्ट कीजिए। मेरे पास टैंक्स की कमी है, इसके लिए मैंने फिलहाल इनको एक ही टैंक में मिक्स किया है, और वैसे मैं दिन में एटलीस्ट 4-5 टाइम्स इनको ब्रेनस्ट्रीम फीड करता हूँ। सो माय ओपिनियन दैट वोंट बी इश्यू द साइज वेरिएशन, क्योंकि सबको इक्वली खाना मिल रहा है, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप एक साइज के डिस्कस को ही साथ में रखें, जो साइज वेरिएशन हो तो जो छोटे डिस्कस है उनको दूसरे टैंक में सॉर्ट कीजिए। और ये टैंक को मैं खिलाऊंगा, इसमें क्वांटिटी कम है बेबीज की और ऑलमोस्ट सबका साइज एक ही है, तो आज हम इनको और जो अभी जो टैंक दिखा उनको फीड करके दिखाएंगे। ये न्यूली फॉर्म पेयर है, आपने मेरे लास्ट पेशरूम अपडेट के वीडियो में देखा था, एक रिसेंटली फॉर्म पेयर है। सो आई थिंक ये एक दो दिन में इनके भी ये एग्स लगा देगी। इन फिलहाल गर्मी इतनी है कि हैचिंग कम मिल रही है, तो इट्स बेटर वी अवॉइड ब्रीडिंग। यहाँ पे इनको ब्रेक देंगे वही अच्छा है, और बारिश जैसे ही चालू हो उनको ब्रीडिंग क्यूब में सेपरेट करेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो ऑलमोस्ट अभी 8-10 मिनट्स हुए हैं
आप देख सकते हैं जो हैच ब्रांच नीचे सेटल हुआ है, तो इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं बाउल में या बाउल में निकाल लेंगे, फिर तो उसके आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। सो जनरली ये एक जो प्लास्टिक ग्लास है या वेसल जो भी आप बोल सकते हैं, इसमें मैं फर्स्ट ब्रांच रिम का जो हैच है उसको निकालता हूँ, और फिर उसको ऑक्सीजन पाइप जो अपन एविएशन पाइप जो यूज करते हैं उसमें से मैं सेकंड ग्लास में निकाल के ब्रांच रिम फिट करूंगा। सो फर्स्ट मैं इसमें निकालता हूँ, मैं अभी फिलहाल कैमरा एक हाथ से पकड़ा हूँ, तो मैं इसको निकालने के बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं जो हैच ब्रांच रिम यहाँ पे नीचे आ गए, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हम लोग ने जो हैच ब्रांच रिम एक प्लास्टिक ग्लास में निकाल के रखा है, सो जो मोबाइल रहता है उसका फ्लैश ऑन करके, ऐसे मोबाइल का फ्लैश ऑन करके उसके पीछे छोड़ देने गया, ऐसे 5 मिनट रखेंगे तो और अच्छा है, और इसमें भी वापस जो हैच ब्रांच में वो नीचे सेटल हो जाएंगे, तो उसको हम लोग ये जो एविएशन पाइप है उससे ब्रांच में निकल के ये ग्लास में निकाल लेंगे, और उसके बाद हम वापस से बेबी को फीड करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है, ब्रांचियम हैच हुआ हुआ, ये जो फर्स्ट कंटेनर में निकाला था वो है, ये एक्स्ट्रा है जो, और ये मैंने ग्लास में निकाला है इसे इन्हें फीड करने के लिए। सो ये है जो हैच ब्रांचियम है, क्लोजअप ट्राई करता हूँ जितना क्लोजअप ले सके ताकि आपको आइडिया आए। सो दिस इज द रियल प्रोटीन जो डिस्कस बेबीज थंबनेल साइज तक फीड किया जा सकता है, एटलीस्ट 1 इंच को 1 इंच के बेबीज तक फीड किया करना चाहिए इनको। सो प्रॉपर मैं लेता हूँ इनका, आप देख सकते हैं इन्हें हम बेबीज को फीड करते हैं। देख सकते हैं बेबीज टूट पड़ते हैं इनमें, मैं आपको अभी ड्रॉपर मेरा जो ग्लास है उसको ही मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसे वो एग्रेसिवली खाते हैं। ऐसा बेबीज को दिन में मिनिमम 4 to 5 times फीड होना ही चाहिए, तो ओवरऑल ग्रोथ शेप पैटर्न तो नहीं लेकिन ओवरऑल ग्रोथ और शेप काफी अच्छा मिलता है, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं डिस्कस के बेबीज में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बेबीज काफी अच्छे से गाते हैं ब्लैंक्स। हमेशा ध्यान में रखें ओवर फीडिंग ना करें ब्रांच रिम की, फीड मल्टीपल टाइम्स अ डे लेकिन डोंट फीड एक्सेसिव, क्योंकि कभी कभी एक्सेसिव ब्रांच रिम से भी उनकी मोर्टेलिटी हो सकती है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में फीड करें लेकिन मल्टीपल टाइम्स फीड करें। यहाँ पे देख सकते हैं
ये क्वांटिटी आपको ज्यादा दिखेगी, लेकिन ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स में ये सब खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट्स में। तो इसमें क्वांटिटी भी ज्यादा है बेबीज की, इसके लिए मैं OSI का ब्रांच यूम यूज करता हूँ, रेड विंग। काफी अच्छा हैचिंग मिलता है, हैच रेट अच्छा है, 24 लगते हैं हैचिंग के लिए, लेकिन as compared to other products, I have got better results in OSI Red Wing. So अभी जो ये है इसको हम वॉश करके फिर से नेक्स्ट डे के लिए रेडी करते हैं। सो मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो ये बॉटल अभी वॉश होके आया है, इसको वापस एरेशन लगा दिया है मैंने। और तो अभी इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून, जैसे अभी टेबल स्पून तो नहीं है, टीस्पून है, तो मैं 2 टीस्पून ऐड करता हूँ। और ये रेगुलर जो जाड़ा नमक मिलता है मार्केट में बनिए के पास, उस वो ही है। और ये ब्रांचिंग एक्स है, ये मैं OSI का आपका बॉटल दिखा दे कैन दिखाता हूँ। सो ये एक रेफरेंस के लिए मैंने, विनील भाई ने मुझे स्पून दिया था, तो हम लोग इसे ऐड करते हैं इतना। और डेट्स इट, फिर 24 आवर्स हमको वेट करना है और नेक्स्ट दिन हमको हैचिंग मिल जाएगा जैसे आज दिखाया। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में देखते हैं कैसा है रिजल्ट, क्या मिलता है, मतलब रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा दे देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जो OSI का कैन है। सो ये रेड विंग, OSI रेड विंग ये मैं यूज करता हूँ। सो अभी भी खा गए, इनका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, क्योंकि इनको मैंने कम क्वांटिटी में डाला था, इनका अभी काफी बाकी है, ये हो जाएगा 10-15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। वैसे ये सॉल्ट और ग्राइंडिंग मैक्स का प्रोपोर्शन काफी डिफर होता है, ब्रीडर टू ब्रीडर या गीजर टू गीजर या कोई भी ऑफिस, जो जिसको जो जम गया प्रोपोर्शन वो बेस्ट है। ये जो प्रोपोर्शन बताया वो मेरा प्रोपोर्शन था, और मैं और एक बताना चाहूँगा, कोई कोई बेकिंग सोडा भी ऐड करके जो ब्रांचिंग के इसमें हैचिंग में, ताकि पानी का पीएच बढ़े। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मुंबई में पानी का पीएच एकदम प्रॉपर है, सो वी डोंट नीड टू ऐड बेकिंग सोडा वाइल हैचिंग ब्रांचिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो ये ब्रांचिंग हैचरी कैसे बनाना है उसका अगर आपको DIY प्रोसेस चाहिए, तो हमारे मास्टर ब्रीडर, एंजल फिश मास्टर ब्रीडर मिस्टर गणेश एलगटी मार्बल किंग, उनका वीडियो एक हमारे चैनल पे फीचर्ड है ब्रांच मैचरी पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एक शॉर्ट वीडियो पसंद आया रहेगा ब्रांच के बारे में। आई नो मोस्टली आप में से काफ़ी ब्रीडर और रेजर्स ये जानते ही होंगे, फिर भी मैं ये कंटेंट अपने जो नए हॉबिस्ट हैं उनके लिए बनाया है। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।